हाय गाइस, वेलकम टू ट्राइब मैन। सो कैसे आप लोग? सो मेरा जो लास्ट द न्यू बिगिनिंग सीरीज़ का ब्लॉग के बाद, उसके बाद से कुछ भी नया वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। रोज़ सोचता हूँ मैं कुछ ना कुछ अपलोड करूँगा, बट वो ये है कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के बाद और टाइम मिलता नहीं मुझे कुछ भी एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए। सो आज का जो वीडियो है ये मेरा पुराना ब्लॉग्स है, जो कि जैसे कि मेरा इसी साल को मेरे दो कज़िन, एक दीदी है एक बहन है, उनका शादी हुआ था। सो उनका ही जो वीडियो है वो मैं डाल नहीं पाया था पहले। सो अभी मैं उसको अपलोड करूँगा धीरे धीरे, एक एक करके। सो ये वाला वीडियो जो है ये मेरे शिलोंग के बहन का शादी का है। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, आपका प्यार देते रहिए जिसके आपने मेरे पहले वीडियोज़ में दिया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो मैं निकल चुका हूँ शिलोंग के लिए, और यहाँ के रास्ते, यहाँ के पहाड़ देखते ही एक अलग सुकून मिलता है। सो मेरे पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही हल्दी का रस्म भी स्टार्ट हो चुका था, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हल्दी के रस्म का कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं था, जो कि मास्टर फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए अभी चलते हैं मेहंदी की रस्म पर। सो गाइस, मेहंदी का रस्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और सुबह से मैं बहुत ही थक गया था। सो मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद अभी डिनर करने के बाद अभी सब जैसे कि लड़कियाँ अभी सब लोग बिजी है मेहंदी लगाने के लिए। सो यहाँ पे मेरे कज़िन बहन ने ऑलरेडी डांस करना शुरू कर लिया है, और होना भी चाहिए क्योंकि शादी के घर में अगर नाच गाना ना हो तो शादी नहीं लगता। एक लड़की और एक लड़के के लाइफ में शादी एक ऐसा स्टेज होता है जिसके बाद उनका जो मीनिंग होता है लाइफ का, वो एकदम ही चेंज हो जाता है। वो बोलते हैं ना, शादी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं होता, वो सातों जन्म के लिए होता है। शादी एक ऐसा मौका भी होता है जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ होते हैं। सालों सालों के बाद वो मामा मामी, फूफा फूफी, कज़िन्स भाई बहन सबके साथ इसी चांस में मुलाकात होता है। सो हम लोग सब इसी चांस को मिस नहीं करना चाहते, इसी चांस को एंजॉय कर रहे हैं। सो आप भी एंजॉय कीजिए। Oh, yeah.